स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? ए मिथुन चक्रवर्ती, बी कमल हासन, सी अमिताभ बच्चन, डी रजनीकांत। आंसर ए मिथुन चक्रवर्ती। एक्सप्लेनेशन, महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अक्टूबर 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? ए युवराज सिंह, बी प्रज्ञान ओझा, सी रविंद्र जडेजा, डी बिशन सिंह बेदी। आंसर सी रविंद्र जडेजा। एक्सप्लेनेशन, रविंद्र जडेजा ने कानपुर टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश के खालिद अहमद को आउट किया। वे भारत की ओर से 300 विकेट पूरा करने वाले पहले बाएं हाथ के स्पिनर बन गए। रविंद्र जडेजा से पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 266 विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी थे। एशिया की बात करें तो रविंद्र जडेजा टेस्ट में 300 विकेट के साथ साथ 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 30 जनवरी, बी 5 जून, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। आंसर डी 2 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म की तिथि है। इस वर्ष बापू की 155वीं जयंती है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और अहिंसा के दर्शन का प्रचार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 15 जून 2007 को सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से यह आग्रह किया था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज काजिन हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ए कजाकिस्तान, बी इजराइल, सी सिंगापुर, डी रूस। आंसर ए कजाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज काजिन भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास काजिन का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोट ओली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ए क्रूज जल विहार मिशन, बी क्रूज जल संधि मिशन, सी क्रूज भारत मिशन, डी कलश मिशन। आंसर सी क्रूज भारत मिशन। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है।